वालेकुम मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्जी एकेडमी सी एस एस लेक्चर सीरीज़ के आज के इस लेक्चर में हम जनरल एबिलिटी पास पेपर 2018 का क्वेश्चन नंबर एट डिस्कस करेंगे In question 8 a police officer is in pursuit of a stolen car. Officer Baker is directly behind the car. Officer Loops behind Baker. Officer O'Malley is behind Loop and Officer Reinhardt is ahead of stolen car.

स्टोलन कार की डायरेक्शन है ऑफिसर राइन हार्ट मेक्स यू टर्न एंड ज्वाइन द परसूट अब मिस्टर राइन हार्ट ने यू टर्न लिया और इस परसूट को ज्वाइन कर यानी कि वो बिहाइंड द ओमेले ऑफिसर ओमेले उसको ज्वाइन करेगा इस परसूट को तो हमारे पास नई सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे ये इसकी नई सिचुएशन आ जाएगी राइन हार्ट ने इस पर सूट को ज्वाइन कर लिया है अब ये चारों एक लाइन में है नेक्स्ट नेक्स हमारे नेक्स ने पास इसमें जो राइन हार्ट ही पुल्स बिहाइंड ऑफिसर लूप राइन हार्ट जो है मिस्टर लूप ऑफिसर लूप के पीछे यहाँ पे सेंटर में आ जाते हैं हमारे पास नई सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगी वेन राइन हार्ट पुल्स बिहाइंड द ऑफिसर लूप अब यहाँ पे मिस्टर राइन हार्ट जो है वो ऑफिसर लूप के पीछे उसने पोजिशन संभाल ली है देन नेक्स्ट इज ऑफिसर बेकर पुल्स अप ऑन द ड्राइवर साइड ऑफ द स्टोलन कार अब यहाँ ऑफिसर लूप जो है वो ड्राइवर साइड पे अपने आप को नई पोजीशन में एडजस्ट कर लेते हैं मिस्टर बेकर पुल्स ड्राइवर साइड मिस्टर बेकर जो है वो ड्राइवर साइड पे आगे फ्रंट पोजिशन पे आ जाते हैं और द द स्टोलन कार ऑफिसर ऑफिसर लूप ऑन अदर साइड बेकर जो है वो ड्राइवर साइड पे आ गए कार के और ऑफिसर लूप जो है वो अदर साइड पे कार के साथ हैं. अब है क्वेश्चन आइएगा हु इज डायरेक्टली बिहाइंड द स्टोलन कार ऑफिसर राइन हार्ट इज डायरेक्टली बिहाइंड द स्टोलन कार तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया ऑफिसर ऑफिसर राइन हार्ड इज डायरेक्टली behind the stolen car when officer baker is when officer baker's pulls up on the driver's side of the car, stolen car and officer lou pulls up on the other side of the stolen car yeah the question इन क्वेश्चन एट सी लुक एट दिस सीरीज एफ टू नेक्स्ट हम मिसिंग है जो कि हमने फाइंड करनी है ए डी सी सिक्सटीन एंड बी थर्टी वट नंबर शुड फिल इन द ब्लैंक ये मिसिंग नंबर हमने यहाँ पे फाइंड करना है तो हमारे पास यहाँ पे दो सीक्वेंसेज है एक अल्फाबेटिक सीक्वेंस है और एक न्यूमेरिकल सीक्वेंस है एंड वी मे कॉल इट अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस अल्फाबेटिक सीक्वेंस अगर हम देखें तो इसमें वो है जी एफ नेक्स्ट लेटर इज मिसिंग डी सी एंड बी हम यहाँ पे देख सकते हैं बी से प्रीवियस लेटर सी और सी से प्रीवियस लेटर बी और इन अदर वर्ड्स बी देन सी देन डी और नेक्स्ट लेटर इज इज मिसिंग इसका हम नेक्स्ट लेटर दैट शुड बी ई ई अल्फाबेटिक यहाँ पे अल्फाबेट जो है मिस है यहाँ पे और ई के बाद एफ तो एक चीज हमने फाइंड कर ली अल्फाबेट जो यहाँ पे मिस है जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा दैट शुड बी ई अब हम न्यूमेरिक सीक्वेंस की बात करते हैं वो हमारे पास है यहाँ पे टू नेक्स्ट लेटर इज मिसिंग एट सिक्सटीन थर्टी दो कंजेक्टिव टर्म्स हम यहाँ पे देख सकते हैं जी हमारे पास यहाँ पे थर्टी टू ये हमारे पास रेशियो सीक्वेंस है रेशियो सीक्वेंस यानी कि कंजेक्टिव दो टर्म्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर इज इधर फिक्स नंबर और पैटर्न हम यहाँ पे देखते हैं थर्टी टू इसको अगर हम सिक्सटीन पे डिवाइड करें तो आंसर टू आता है सिक्सटीन को एट पे डिवाइड करें आंसर इज अगेन टू यहाँ पे जो मिसिंग लेटर है हम उसे suppose कर लेते हैं एक्स तो यहाँ पर हमारे पास एट अगर एक्स पे डिवाइड करें और एक्स को या फिर टू पे डिवाइड करें आंसर हमारे पास इस पैटर्न को देखते हुए टू आना हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं एट की वैल्यू आ जाएगी 2. टू मीन और right तो चेक लेते हैं इसको, X, यहां से भी इसको करें, हमारे पास यहाँ से आता है एक्स ओवर टू इक्वल टू टू यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से भी आंसर हमारे पास फोर आता है सो तो हमारे पास यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो हमारे पास आ गया फोर तो इस तरह से हमारे पास जो ये सीक्वेंस है ये कुछ इस तरह से बनेगा एफ टू मिसिंग टर्म दे सी सिक्सटीन बी थर्टी टू तो हमारे पास यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है उसके अंदर ई e अल्फाबेट आना चाहिए और नंबर की फॉर्म में हमारे पास जो है वो फोर आना चाहिए सो ई फोर इज मिसिंग टर्म जो की इस सीक्वेंस को सेटिस्फाई करती है तो इसका answer in question D, ये इसका आंसर आ गया इन क्वेश्चन एट डी ये क्वेश्चन है इन क्वेश्चन एट डी आ सर्टन कोड लैंग्वेज लैंड माइन इज रिटन एज आर बी जी आर सी आउ विल होम मेड बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज अब हम वर्ड और वर्ड को जो की लैंड माइन और इसके कोड को वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे एल ए एन डी एम आई एन ई लैंड माइन हमने लिख लिया वर्ड के सामने इसका कोड लिख लेंगे पी वाई आर बी क्यू जी आर सी अब एल के बाद हमारे पास ई e आता है और दरमियान में जो लेटर स्किप किए हैं वो है एम एन एन ओ आ जाता है वाई हमारे पास लास्ट लेटर है ए फ तो ये डायरेक्शन हमारे पास वाई के बाद जी अगर हम स्केप करते हैं तो ये आता है एन के बाद हमारे पास आर बाद में आता है एन पहले आता है एन के बाद वो स्किप किया है पी क्यू ये तीन लेटर रहा आता है एम के बाद तीन लेटर स्किप करें एन ओ पी तो क्यू आ जाता है जी के बाद एक लेटर मिस करें ए स्किप कर दें तो आई आ जाता है एन के बाद अगेन थ्री लेटर ओ पी क्यू तो उसके बाद आर आ जाता है सी के बाद हमारे पास एक लेटर हम स्किप करें डी तो so, ई e आ जाता है अब हमारे पास ये पैटर्न ये क्लियर हो गया जो ऑड पोजिशन पे लेटर्स है उनके दरमियान में वर्ड और कोड के लेटर्स के दमियान में फॉरवर्ड डायरेक्शन में या नेक्स्ट थ्री लेटर्स स्किप करने हैं ये ऑर्ड पोजिशन पे लेटर है एल उसके बाद एन उसके बाद एम फिर एन ये ऑट पोजिशन लेटर्स है यहाँ पे थ्री लेटर्स स्किप किए गए और इसके डायरेक्शन भी हमारे पास लेफ्ट टू राइट है नेक्स्ट लेटर हमने लिखना थ्री लेटर्स को स्किप करके इसी तरह से जो इवन पोजिशन है वो हमारे पास जो वर्ड है उसके लेटर्स से रिवर्स डायरेक्शन में या प्रीवियस एक लेटर स्किप करने है जैसे इसे पीछे एक चेन के अंदर रिंग के अंदर से तो पीछे Z आएगा और उसके बाद इससे पहले Z को स्किप किया तो Y आ जाएगा D से D से प्रीवियस लेटर स्किप करेंगे D से प्रीवियस लेटर C और उससे पिछला लेटर B हमारे पास तो उसका आंसर है I से पिछले लेटर H स्किप करेंगे तो G उसका कोड आ गया E से प्रीवियस लेटर D स्किप करेंगे तो C इसका कोड आ जाएगा अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम होम का कोड बनाएंगे होम को वर्टिकल फॉर्म में लेते हैं एच ओ एम ई एम ए डी ई अब हम ये सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हमारे पास सी लेटर स्किप करेंगे लेफ्ट टू राइट के जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं उनको हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं एच के बाद थ्री लेटर स्किप करने एच के बाद आई जे ये थ्री लेटर्स स्किप करेंगे एम के बाद एन ओ पी ये थ्री लेटर्स स्किप करेंगे अगेन यहाँ पे एन ओ पी और डी के बाद ई e, एफ और जी ये थ्री लेटर्स के करेंगे तो नेक्स्ट इनका कोड आ जाएगा तो K के बाद हमारे पास एच का कोड बन जाएगा एल एम का कोड बन जाएगा पी के बाद क्यू क्यू यहाँ पर भी और डी का कोड आ जाएगा जी के बाद एक अब जो इवन पोजिशन लेटर है हमारे पास ओ ई एंड ई यहाँ पे इनसे प्रीवियस एक लेटर स्किप करेंगे इसका मतलब ये ओ से पीछे अपने जो लेटर स्किप करना है वो हो जाएगा एन स्किप करेंगे ई e से पिछला लेटर हम स्किप करेंगे एक यानी कि डी को स्किप करेंगे ए से प्रीवियस लेटर एक स्किप करेंगे यानी कि जी को स्किप करेंगे और सिमिलरली ई e से प्रीवियस लेटर डी को स्किप करेंगे तो हमारे पास उससे पिछला लेटर इसका ओ का कोड बन जाएगा एन से प्रीवियस लेटर एम होता है जो कि ओ का कोड आ जाएगा ई e का कोड डी से प्रीवियस लेटर यानी कि सी सी और ई के दरमियान में एक लेटर स्केप करना एम और ओ के दरमियान में एक लेटर एन सिमिलरली वाई और ए के दरमियान में एक लेटर हमने जी स्केप किया यहाँ पे और ई से पिछला लेटर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डी को स्केप करेंगे तो सी आ जाएगा तो इस तरह से हमारे पास हम यहाँ पे कह सकते हैं सी तो so, ये इस तरह से इसका कोड आ गया ये तो हमारा आज का लेक्चर उम्मीद है पसंद आया होगा मिलते हैं इस पेपर के बाकी क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दवा में याद रखिएगा अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज